हेलो एस्पायरेंट, स्वागत है आप सबका एसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 की टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ऑल क्वेरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइपिंग टेस्ट इज कंपलसरी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टीयर 2 के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है वो कंपलसरी है। अगर आप ये पास नहीं करते हैं तो आप टीयर 2 में चाहे 390 में 390 नंबर्स ले आइए, आप फेल माने जाएंगे। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की डिप्रेशन। सो दोस्तों, इसमें जो की डिप्रेशन मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इन 15 मिनट्स। आइए जानते हैं कि की डिप्रेशन होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपना नाम लिखा वैभव त्रिपाठी, तो जब आप इसके लेटर काउंट करेंगे तो VAIBHAV एंड एक वन स्पेस एंड TRIPATHI, तो इसमें जो टोटल लेटर्स हो गए वो हो गए 16, यानी कि इसका जो की डिप्रेशन माना जाएगा वो माना जाएगा 16। तो ऐसे ही आपको 2000 की डिप्रेशन पूरे करने हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, एक्यूरेसी। तो दोस्तों, एक्यूरेसी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एरर परसेंटेज कितना है। तो एरर परसेंटेज जो इस टाइपिंग टेस्ट में है वो कैटेगरी वाइज है, यानी कि अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपका जो एरर परसेंटेज है वो रहेगा 20%, यानी कि आप मिनिमम 100 में 20% एरर कर सकते हैं। और वहीं आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 25% की एरर कर सकते हैं 100% में। और वहीं आप एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 30% का रिलैक्सेशन मिलेगा एरर में। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि ये टाइपिंग टेस्ट ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, आप इसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, यानी कि स्पीड। तो दोस्तों, इसमें जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड की अगर वर्ड पर मिनट में बात करें तो 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स में और इसमें जो एरर का परसेंटेज से ये फॉर्मूला होता है, इसे अगर फिट करके वर्ड पर मिनट स्पीड निकालेंगे तो जो आपकी स्पीड आएगी यहाँ पर 27 वर्ड पर मिनट, आपको इतनी स्पीड चाहिए। यानी कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आप टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो मोबाइल पर और अपने पीसी पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जो कीबोर्ड मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको करूंगा एसर कंपनी का, ले लीजिए, क्योंकि अधिकतर टीसीएस के सेंटर्स में वही कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर आपके पास कोई दूसरा कीबोर्ड है तो वो भी ठीक ही है, क्योंकि सारे कीबोर्ड एक ही जैसे होते हैं लगभग। एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, आप उसे बस फॉलो कीजिए। बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैं अब आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आप अपने पीसी पर यानी कि लैपटॉप पर या फिर अपने फोन पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक कीबोर्ड की जरूरत ही पड़ेगी। सो दोस्तों, सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और देन हमें सर्च बॉक्स पर टाइप करना है typingbaba.com। जी हाँ दोस्तों, इतना ही टाइप करते हैं, जब आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ साइट्स खुलकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहली साइट है www.typingbaba.com, आपको सिंपली इसी पर ही क्लिक कर देना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। एंड देन दोस्तों, आपको सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, इससे आपको ये इतने सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, कीबोर्ड, टाइपिंग, टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेस्ट। तो आपको सिंपली जो है टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड या फिर इंग्लिश टाइपिंग। सो हमें तो इंग्लिश टाइपिंग करनी है, सो इंग्लिश टाइपिंग पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर खुल के आ गया है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। सो आपको सिंपली नेम पर अपना कुछ भी नेम टाइप कर देना है, जैसे मैं टाइप कर दूंगा जी। एंड आपको टाइम ड्यूरेशन सेट करनी है कि आपको कितनी देर टाइपिंग करनी है, 1 मिनट से लेकर यहाँ पर आपको 20 मिनट्स तक के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइमर सेट कर लेना है। दोस्तों, आपको थर्ड कॉलम पर दिख रहा होगा रैंडम वर्ड्स, तो यहाँ पर आप अपना पैराग्राफ भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस थीम पर जो है टाइपिंग करनी है। दिया गया यूटोपिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, ऐसे यहाँ पर खूब सारे जो है पैराग्राफ्स दिए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, मैं सेलेक्ट करता हूँ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के जो है मॉक है टाइपिंग टेस्ट के, सो आप उसे भी यहाँ पर अपलोड टेक्स्ट पर करके उसकी भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सेट वर्ड लिमिट को आपको इनेबल कर देना है, वो डिसेबल पर होगा वैसे आपको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि बैक स्पेस को आपको काउंट नहीं किया जाएगा, आप चाहे जितनी बार भी बैक स्पेस यूज कर सकते हैं और अपनी एरर को करेक्ट कर सकते हैं। लाइट्स एंड ऑटो स्क्रॉल को आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि वहां पर आपको हाईलाइट करके नहीं दिया जाएगा। बस सिंपली आपको यहां पर स्टार्ट इन एग्जाम मोड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है वो खुल चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइमर लगा है 5 मिनट्स का। सो आप फ्रेंड जैसे ही यहां पर टाइप करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपका जो टाइमर है वो देख सकते हैं आप शुरू हो जाएगा और ये 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली सबमिट होकर आपकी कैलकुलेशन भी कर देगा साथ में।
तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा टाइप करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने टाइप किया एट एनी, सो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इतना टाइप किया एट एनी रेट नो रीजन। सो जब मैं इसे देखिए आप, मैं जब सबमिट करूंगा तो देखते कि ये जो मेरी है स्पीड इसने निकाल कर रख दी है कि नेट स्पीड जो है कितने वर्ड पर मिनट है, और बाकी सब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी जो है, टोटल एंट्रीज कितनी करी, टोटल एरर कितनी करी, और एरर रेट क्या है, बैक स्पेस प्रेस्ट कितनी बार किया, और टेस्ट ड्यूरेशन, ये वगैरह वगैरह आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पीड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपने स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा, इसमें आप एरर परसेंटेज को रखकर अपनी स्पीड को निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें लिखा 5% मिस्टेक आर इग्नोरेबल, सो आपकी स्पीड कितनी है, तो इसमें तो 0 पॉइंट पर मिनट है क्योंकि मैंने थोड़े से ही सब लिखे हैं। सो दोस्तों इस साइट की हेल्प से आप टाइपिंग स्पीड को अपनी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, और आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की भी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।